অ্যাবাউট অল থিংস অন্তত সকলকে স্বাগত। আজকের ভিডিওতে আমরা যাদবপুর ইউনিভার্সিটি নিয়ে আলোচনা করব। সো যাদবপুর ইউনিভার্সিটি মে যে অ্যাডমিশন লেনা চাহতে হো ইউজি আর পিজি মে ফর্ম ফিল আপ কব হোগা উসকে বারে মে মানে বহুত জ্যাদা বাত কিয়া হুঁ, ঠিক হ্যায়। লেকিন ইস ভিডিও থোড়া সা হটকে হোগা ক্যুঁকি এসা ভিডিও তুমকো কহীঁ পর ভি নহীঁ মিলেগা। চলো ইস ভিডিও মে বাত করুঙ্গা মে ইউজি আর পিজি যে এন্ট্রান্স এক্সাম হোগা যাদবপুর ইউনিভার্সিটি কে লিয়ে 2024 মে, উসমে হর এক সাবজেক্ট মে যে কোয়েশ্চন পেপার আতা হ্যায় না वो कैसा टाइप का रहेगा। सबको पता है कि एक्चुअल में जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो सबको नहीं देता है, ठीक है ना। लेकिन मेरे पास कुछ पेपर है तो ऐसे मैं बात कर सकता हूँ अच्छे से, तो चलो उस बारे में बात करते हैं एकदम नए तरीके से, और जैसे तुम लोग पढ़ोगे और एंट्रेंस क्लियर करके एडमिशन ले सकते हो, ठीक है ना। तो चलो इस बारे में बात करते हैं अभी के अभी, राइट नाउ। चलो तो देखो, आज बात करूंगा मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी का यूजी और पीजी का जो सिलेबस होगा हर एक एंट्रेंस के लिए, हर एक एंट्रेंस के लिए, तो उस बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में, ठीक है ना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एक करके सिलेबस को लूँगा, सब्जेक्ट वाइज मैं बात करूँगा। बहुत सारे तो मतलब बात करने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो, मैं तुम लोगों को एक चीज़ दिखा सकता था, मतलब इधर ऑलरेडी मेरे पास है, ऐसे देख सकते हो कि लैपटॉप में ऑलरेडी है, ठीक है, मतलब नहीं है ऐसा नहीं है, लैपटॉप में ऑलरेडी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई मैं मतलब डायरेक्ट में बोलूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, और मैं देख के बोलूँगा कि भाई क्या करना है, सुनोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छे से देखोगे सुनोगे तो हो जाएगा काम, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सुनना है अच्छे से, ठीक है। देखो, और ऐसा वीडियो तुमको कभी कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे दिल खोल के बात भी नहीं करता कोई, सच्ची बता यार। नो चाप बिंदास बॉस, देखो नो चाप बिंदास बॉस, ऐसे ही मैं बात करता हूँ। देखो अभी सुनो, ठीक है। अभी देखो करीब 11 बज रहे, यार बहुत रात हो गया। देखो, जादवपुर यूनिवर्सिटी के पीजी का जो मतलब पहले बोल देता हूँ कि कब एंट्रेंस होगा, तो जुलाई मतलब जून जुलाई में फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, और अगस्त में तुम्हारा बोल सकते हो कि एंट्रेंस एग्जाम, मतलब जुलाई और अगस्त में एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो करीब अभी भी 4-5 महीना है, तो पढ़ना चाहिए यार, अच्छे से पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा। मार्च अप्रैल मई जून, मतलब करीब 4-5 महीना अभी भी है, ठीक है। देखो, जादवपुर की पीजी मतलब जो इंग्लिश है उसके बारे में पहले बात कर लेते, उसके बाद आगे जाके मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बंगाली जो भी है, पॉल साइंस, सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो, फुल मार्क्स मतलब जो है पार्ट 50 मार्क्स का होता है यहाँ पे एग्जाम, ठीक है ना। यहाँ पे करीब मतलब लेंथी क्वेश्चन लिखना पड़ता है यार, मतलब ऐसे एमसीक्यू टाइप का बहुत ही कम होता है अभी तो, मतलब पहले तो नॉर्मली लेंथी क्वेश्चन लिखना पड़ता था, ठीक है। अभी तो करीब मतलब बहुत अलग अलग सब्जेक्ट के लिए चेंज हो चुका है, ठीक है ना। जैसे कि देखो, पोज एंड पोएम होता है, उसमें बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन भी लिखना पड़ता है, पैसेज टाइप का जैसा, ठीक है ना। फुल मार्क्स कभी कभी मतलब 100 मार्क्स का भी हो जाता है, तो डिपेंड करता है कि भाई पहले तो 100 मार्क्स रहता था, मतलब उसके बाद उसको घटा के 50 मार्क कर दिया, अभी तो 50 मार्क ही है, ठीक है ना। जैसे कि इस साल के बारे में बात करें तो जादवपुर यूनिवर्सिटी जो 2023 में एंट्रेंस एग्जाम लिया था उसमें फुल मार्क्स का 50 और 2 घंटे टाइम दिया था। जैसे देख सकते हो कि मैं इधर मतलब देख के बता रहा हूँ तुमको कि वॉल राइट क्वेश्चन आंसर मतलब जो होगा 1 मार्क मिलेगा, ऐसे 50 क्वेश्चन का 50 मार्क्स मतलब ऐसे रहेगा, ठीक है। और इसमें लेंथी मतलब क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना पड़ता है, और यहाँ पे देखो मैं बोल रहा हूँ ओएमआर सीट मतलब फिलअप करना, मतलब हैंड ओवर द ओएमआर सीट, मतलब जैसे कि एमसीक्यू टाइप पे ही होगा, और इसमें ओएमआर सीट फिल करना पड़ेगा। पहले तो मतलब लिखना पड़ता था, लेकिन अभी ओएमआर सीट में ही करना पड़ता है, और क्या होता है भाई, मतलब एमसीक्यू टेस्ट होता है, ठीक है ना। एमसीक्यू बेस्ड होता है और ओएमआर सीट करना पड़ेगा, जैसे कि पहले तो अलग होता था, लेकिन अभी ऐसा हो गया, पीजी के लिए भी ऐसे ही होगा इस साल, ठीक है ना। और जादवपुर का बंगाली के बारे में बात किया जाए तो उसमें भी करीब 50 मार्क का ही होता है, मतलब करीब ज़्यादा टाइम देता है, 1 घंटा 2 घंटा दे देता है, 1 घंटा 30 मिनट देता है हर एक क्वेश्चन का, मतलब सॉल्यूशन मतलब करना पड़ता है, जैसे कि एमसीक्यू ही होगा, अलग तो कुछ नहीं होगा ना। अभी तो पहले क्वेश्चन देता था, अभी क्वेश्चन नहीं देता है, ये बहुत एक मसला है तुम सबके लिए। तो देखो मतलब मैं पीजी के बारे में बात करूँ, पीजी का हर कोई सब्जेक्ट के लिए, तो उसमें एक ही चीज़ होगा कि तुमको ग्रेजुएशन का जो जो मेन चीज़ तुमने पढ़े थे हर एक चीज़ को फोकस करके तुम लोग को पढ़ना चाहिए, वही तुम्हारा सिलेबस है हर यूजी के। और देखना कि मतलब एंट्रेंस में कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे कि एमसीक्यू टाइप का जो मेन मेन पॉइंट है, मेन मेन पार्ट है, उससे पढ़ना पड़ेगा, हर कुछ नहीं। और बहुत ज़्यादा डीप नहीं, मतलब मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आता है, जैसे कि देखो दिया ने और मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ने कलकत्ता में एडमिशन ले लिया, और बहुत सारे और भी मेरा मतलब परिचित जो स्टूडेंट है, ठीक है ना, जैसे कि जूनियर बोल सकते हो और भी स्टूडेंट बोल सकते हो, यूट्यूब के थ्रू पहचान है, तो उन लोगों से बात होता है, तो यार वो लोग बहुत अच्छे से मतलब पढ़ा था और सिलेक्शन भी हो गया, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। लेकिन जादवपुर का एक मतलब थोड़ा सा तो गंदा रिएक्शन हो गया था, क्योंकि एक मतलब लड़का ने
सुसाइड जैसा बोल सकते हो, नहीं तो बोल सकते हो मर्डर बोल सकते हो, कुछ भी यार, मतलब ब्रैगिंग की तरह से। लेकिन हर बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता, एक बार हो गया लेकिन ये बहुत गलत हुआ, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा इंशाल्लाह। हम लोग मतलब अल्लाह से दुआ मांगेंगे कि ऐसा नहीं हो, ठीक है। तो अभी देखो, इसके साथ साथ बेंगोली के बारे में बात किया जाए, पीजी के बेंगोली के बारे में, तो इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं मिलेगा, वेबसाइट पर भी नहीं मिलेगा। तो तुमको चाहिए होगा तो क्या करो, नीचे जाके लिंक है उसमें जाके इसको परचेस कर सकते हो, और वेबसाइट मतलब जो है ना उसमें पेड वर्जन है, ठीक है। इसके साथ देखो पॉल साइंस के बारे में बात करते हो, मतलब पीजी के बारे में जितना ही बोलूँ तो मोस्ट ऑफ द मतलब जो बेसिक चीज़ है और इम्पोर्टेंट पार्ट है उसी से ही मतलब क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अभी देखो पॉलिटिकल साइंस मतलब ये होगा 2 घंटे का, फुल मार्क्स 100 है, और 2022 में ऐसा एडमिशन हुआ था, मतलब एंट्रेंस हुआ था जिसमें फुल मार्क्स 100 था और 2 घंटे का था, ठीक है। और इसमें लिखना पड़ता था, अभी क्या हो गया इस साल मतलब बोला नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड है बोल पाना, ठीक है। लेकिन बहुत बार बहुत कुछ होता है, जैसे कभी कभी ओएमआर सीट होता है, कभी कभी लिखना पड़ता है 100, ठीक है। अभी चलो बात करते हैं बीए जो इंग्लिश है, मतलब बीए बेंगोली बांग्ला विभाग जादवपुर विश्वविद्यालय, तो स्नातक प्रवेशिका परीक्षा 2022, মানে এখানে কি করতে হবে, পূর্ণ মান 50 এবং 2 ঘন্টার হবে, এখানে তোমাকে লিখতে হবে, তার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে কোন একটা প্রসঙ্গে লিখতে হবে 15 নম্বরের, এরকম থাকবে কিছু 15 নম্বরের একটা লাইক যেটা তোমাদেরকে বলা হয় সার সংক্ষেপ মূল্যায়ন করা, যেগুলো হয় ভাবার্থ ভাব সম্প্রসারণ, সেগুলোকে বলা হয় সেইগুলো জিনিসগুলো, ঠিক আছে। চলো এবার আমরা বাত করি, মানে কথা বলি মতলব বাত করতে চলো ফিজিক্স কে বারে মেয়ে। তো বেসিক্যালি দোনো ল্যাঙ্গুয়েজ হো গিয়া, ক্যা করে ইয়ার, ইসমে জো মতলব बोर्ड का मार्क्स वो भी मैटर करता है, क्योंकि बोर्ड का मार्क्स उसके साथ टेस्ट मार्क्स दोनों ही मैटर करते हैं, उसी से ही तुम्हारा क्या बनता है, मेरिट लिस्ट बनता है यार, मतलब बोर्ड मार्क्स एंड उसके साथ साथ जो तुम्हारा मतलब जो एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है उसका जो मार्क्स है, दोनों मार्क्स को मिला के एक रॉ मार्क्स आता है, उसी हिसाब से तुम्हारा क्या होता है भाई, सिलेक्शन होता है। सॉरी गाइज यार, मतलब बहुत ही गर्मी लग रहा है क्योंकि वीडियो में करीब 2-3 वीडियो बना लिया अभी, तो इसीलिए मतलब मेरे को गर्मी भी हो रहा है यार, क्या करें। चलो यार, उसके साथ साथ मैं दिखा देता हूँ तुमको कि भाई जो जादवपुर यूनिवर्सिटी में तो जियोग्राफी में एडमिशन लेना चाहते हो उसके लिए क्या मतलब करना चाहिए, ठीक है। तो 2023 में कैसा क्वेश्चन आया था मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, और जिसको चाहिए होगा तो मेरे को बता देना, तो मैं डाल दूंगा, मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है, इस नंबर पर मैसेज करो तो मैं दे दूंगा, ठीक है ना। लेकिन फ्री नहीं दूंगा, 1-2 रुपया तो मेरे को लेना ही है। तो देखो फुल मार्क्स मतलब 50 है और टाइम 2 घंटा है, ठीक है। इसमें ओएमआरसीटी बेस्ट होगा, और उसमें जो क्वेश्चन है मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा हार्ड है और कुछ क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन में करीब 30-40 तो करीब सकते हो यार, अच्छे से पढ़ोगे या तुम्हारा क्लास 12 का जितना है ना उसी को पढ़ोगे अच्छे से तो हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दोनों लैंग्वेज में रहेगा, मतलब बोल सकते हो कि बंगाली और मतलब इंग्लिश में दोनों में ही रहेगा, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी नहीं होता यार, बंगाली भी मतलब दे देता है, सभी बंगाली में भी हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन रहता है यार हिंदी मतलब इंग्लिश दोनों में रहते हैं, मतलब सॉरी यार मतलब बंगाली और इंग्लिश दोनों में रहता है, ठीक है। इसके साथ साथ देखो मतलब जैसा तुमने पढ़े हो ना क्लास 12 बेसिस में वैसा टाइप का ही जियोग्राफी क्वेश्चन आता है। अभी चलो बात करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में, तो करीब बहुत ज़्यादा लंबा हो गया नहीं, मतलब थोड़ा सा ठीक ही है, और आगे जाके बात करेंगे मतलब एक एक टॉपिक को लेके मैं बनाऊंगा धीरे धीरे आगे जाके, टाइम अभी नहीं मिल रहा मेरे को, तो इसीलिए सोचा कि चलो सब के बारे में बात करते हैं, सिलेबस के बारे में, और 2-3 मिनट बोलूंगा लास्ट में, अभी सुनना बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में भी वही मतलब 2 घंटा मिलता है, 50 मार्क का होता है मैथमेटिक्स, देखा जाए तो 11-12 का अच्छे से जो लोग पढ़े हो तो वैसा टाइप का आता है, मतलब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, एकदम बेकार सा तो नहीं बोलूँगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यार, और जो बंदा सही से पढ़ रहा है और सही से समझता है, ठीक है ना, वो बंदा अच्छे से कर पाएगा, और मतलब टाइम कंज्यूमिंग है इसीलिए ज़्यादा तुमको टाइम मिलता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में तो 1 घंटे में हो जाता है, टाइम नहीं ज़्यादा देता है, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम देता है ओनली बिकॉज ऑफ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हार्ड होता है, मतलब एकदम मैथमेटिक्स तो ईजी नहीं बोल पाओगे, थोड़ा सा आलिया में मतलब तो मतलब मिल जाएगा यार, आलिया में तो जल्दी जल्दी मिल जाता है, लेकिन प्रेसिडेंसी के बारे में बोला जाए और जादवपुर के बारे में तो इसमें जो एंट्रेंस होता है ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का होता है, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, मतलब हर क्वेश्चन तो हार्ड नहीं होता, मतलब करीब थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो हार्ड हो ही जाता है, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं थोड़ा एक कुछ चीज़ के बारे में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला कि भाई यूजी के लिए जो लोग एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो जादवपुर यूनिवर्सिटी के और कॉम्पलब तुम लोग करना चाहते हो, ठीक है ना, तो अभी कभी इस वीडियो को शेयर कर दो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया है कि भाई अभी से अभी जो एग्ज़ाम मतलब दे रहे हो अभी 2023 में मतलब 24 में जो लोग अभी भी एग्ज़ाम दे रहे हो बोर्ड एग्ज़ाम का, बोर्ड एग्ज़ाम खत्म होने के बाद पहले क्या करो भाई, एक कुछ दिन रेस्ट लो, उसके बाद पहले से मतलब पूरा के पूरा जो तुमने 11-12 में पढ़े हो उसको फिर देखना चालू करो, क्योंकि अभी कॉलेज में एंट्रेंस देकर ही सिलेक्शन होता है यार, बहुत अच्छा कॉलेज में, तो तुमको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसे तो बिल्कुल मतलब अपने आवाज़ हो गए ऐसे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ
जो लोग पीजी में है जो भी बोलो यार, मतलब कंपटीटिव लिटरेचर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फूड टेक्नोलॉजी और बंगाली इंग्लिश, मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मतलब जो भी सब्जेक्ट बोलो यार, तो यूजी में जितना पढ़े हो ना वही थोड़ा थोड़ा करके देखना चाहिए, उसी हिसाब से ही आ जाता है। और थोड़ा सा देखना कि कुछ कुछ सब्जेक्ट होता है जैसे कि मतलब उसमें रीजनिंग वगैरह घुस जाता है थोड़ा सा, इंग्लिश में देखा जाए तो कुछ अभी ग्रामेटिकल भी इनपुट कर रहा है, ठीक है ना, तो वैसा टाइप का मतलब देखना पड़ेगा। पीजी के लिए तो हर क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होता है, जैसे कि जादवपुर का प्रीवियस क्वेश्चन नहीं मिलता है, आदि यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर मतलब तुम लोग को चाहिए तो मेरे पास मिल जाएगा, ठीक है। और जादवपुर का तो मेरे पास करीब कुछ ही है, बंगाली और इंग्लिश, तो पीजी का ही है अलग, मतलब जो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये सब थोड़ा बहुत, फिजिक्स का भी थोड़ा बहुत है अलग से, और कुछ नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। फिजिक्स के बारे में मैंने बात किया था आई थिंक, तो कट ऑफ देखा जाए तो करीब मतलब 50 में 30, 30 मतलब 30 से भी कम मिलते हैं बहुत लोगों को, 12-15 नंबर पे भी मिलते हैं, लेकिन हम लोग को अच्छा रैंक लेना है, दैट्स मीन्स मतलब हम लोगों को चांस मिलेगा, तो करीब मतलब 25-30 तो लेना ही है जैसे कि सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। तो इतना ही बोलूँगा पीजी के लिए, भाई तुम लोग यूजी में जितना पढ़े हो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो यार, और एक ही चीज़ पढ़ना है, सब कुछ तो नहीं पढ़ पाओगे, कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट होता है तुमको भी पता है यार, मतलब कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है तो उतना मेरे को पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। कुछ इस चीज़ को, सब कुछ नहीं पढ़ो, कुछ बुक्स को हटा दो यार, कुछ थोड़ा बुक से पढ़ो, उसी से ही मतलब 30 क्वेश्चन करो तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तुम जहाँ से भी बिलोंग करो यार, मतलब मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, झारखंड, जहाँ से भी बिलोंग करो कोई मसला नहीं, तुमको यहाँ पे जादवपुर यूनिवर्सिटी आने के बाद ही तुमको एंट्रेंस देना पड़ेगा, एंट्रेंस क्लियर कर पाए तो भाई सिलेक्शन नहीं, यू आर सिलेक्टेड फॉर द यूटी टू सॉरी नॉट यूटी जेयू 2024 एंड एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद भाई मस्ती से जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में मस्ती करो यार, बहुत कुछ है, बीटेक है, जो भी मतलब लेना चाहते हो जीलेट के थ्रू भी जादवपुर में आ सकते हो, और मतलब साइंस के बारे में एक दिन बात करेंगे कि भाई इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे अच्छे से एक दिन, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, आई लव यू ऑल, एंड बिंदास रहो, मस्त रहो, और वीडियो देखो और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ो। चलो टेक केयर।